जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पहले वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत लंबा मैडम ने बोल दिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रशिया has surpassed Saudi Arabia to become a top crude oil supplier in 2023. The world's biggest crude importer has defied Western sanctions to purchase discounted oil for its processing plants. कि जो भारत है उसने अपनी जो इंपोर्ट है इंडिया रशिया से वो 1% से बढ़ा के 18% तक ले गया। अब ये कि इंडिया ने रशिया से के पहले तो वो तेल लेते रहे और भरपूर अंदाज से लेते रहे, धड़ाधड़ लेते रहे, ऐसा तेल उन्होंने लिया उनसे और उस दौरान लेते रहे कि जब जंग चल रही थी, और उसके बाद पूरी दुनिया को वो तेल बरामद भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं काफी कंट्रीज में। कि इस साल अप्रैल के महीने में भारत ने रूस से बंपर तेल खरीदा, ये आंकड़े जिसने उड़ा दी है सऊदी से लेकर अमेरिका तक की नींद। कि अप्रैल में भारत ने एक महीने पहले की तुलना में अधिक रूसी तेल का आयात किया लेकिन इराक और सऊदी अरब से कम आयात किया। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया वो उन मुल्कों में आता है जिसने तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा अपनी ज्यादा इम्पोर्ट जो है वो रशियन ऑयल की बढ़ाई है, यानी कि 1% से 18% इंडिया मंगवा सकता ऑयल, पाकिस्तान नहीं वो मंगवा सकता, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। खैर हमारे तो हमने तो सारी बात फ्री मांगना होता है या डेफर्ड पेमेंट पे मांगना होता है। अच्छा मजे की बात है जो रशिया, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया और रशिया की अगर बात की जाए तो इनकी ट्रेड पे पाबंदी है अमेरिका की तरफ से कि ये ट्रेड नहीं कर सकते खासतौर पे ऑयल के मामले में, लेकिन फिर भी इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, धड़ाधड़ कर रहा है, ऑयल ट्रेड कर रहा है, ऑयल के मामले में इम्पोर्ट कर रहा है, सनफ्लावर ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है इंडिया क्यों ये पाबंदियों से डरता नहीं? यार असल में पॉइंट ये है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना दैट इज अ लॉट मोर फॉरवर्ड एंड बहुत ही ज्यादा एडवांस। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब से रूस और यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से ही दोस्तों भारत रूस से भारी मात्रा में ऑयल खरीद रहा है। ठीक है, 1% कहा था, 0% था, कहा हम 12-15% ऑयल रूस से खरीदने लगे थे। ठीक है दोस्तों, फिर भी रूस से ऑयल खरीदने के मामले में भारत सेकेंड नंबर पे था। इट मीन्स कि भारत के पास जितना ऑयल आता था उसमें सेकेंड प्लेस रूस का था, पहला प्लेस था वो गल्फ नेशन से मिला के था जिसमें सऊदी अरेबिया और सीरिया थे मेन कंट्री। लेकिन दोस्तों जो अप्रैल की रिपोर्ट निकल के सामने आई इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कमेटी की तरफ से वो हैरान करने वाली रिपोर्ट्स, भारत ने सऊदी अरेबिया, सीरिया और तमाम गल्फ इस्लामिक नेशन से अपनी ऑयल की निर्भरता कम कर दी और रूस से और ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया। और बताया यह जा रहा है कि अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा ऑयल अगर किसी देश से भारत ने खरीदा है तो रूस से, वो भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे। और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कमेटी का तो यह भी कहना है कि भारत जो है रूस से जो ऑयल खरीदता है उसमें से बड़ी मात्रा में ऑयल को रिफाइन करके यूरोपीय मार्केट, यूएसए को और भी तमाम यूरोपीय नेशन को जो रूस से डर के मारे तेल नहीं खरीदते उनको सेल करके काफी भारी मात्रा में बेनिफिट बना रहे हैं। $4.5 बिलियन का बेनिफिट तो सिर्फ भारत ने ऑयल बेच के कमाया, $8 बिलियन का टोटल फायदा हुआ है रूस से ऑयल खरीदने का। भाई डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है? डॉक्टर जयशंकर ने कहा और उसने यूरोपियंस की आंखों में आंखें डाल के कहा और अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी अवाम है, ये है प्रायोरिटी। और जबकि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या कहानियां सुना रहा है। तो अब ये अब रशियन ऑयल ऑन डिस्काउंटेड प्राइस जो है ये पाकिस्तान में हेडलाइंस बनी थी। जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं उन्होंने ये कह दिया जनाब हमारी मुलाकातें होगी, तय हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस हम जो आया। और ईरान से उन्होंने कहा जी एलपीजी की डोनेशन आएगी। अब देखिए ये अगर हम अपने अवाम के साथ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमें सच बोलना शुरू कर देना चाहिए। जब आप मुश्किल में पड़ जाएं तो सच बोलना शुरू कर दें, आपके बहुत सारे मसले तो उधर ही हल हो जाएंगे। मौजूदा इंटरनेशनल सूरत हाल चल रही है रशिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका को लेकर, इंडिया को लेकर, इस हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने रशिया के साथ, पाकिस्तानी वजीर आजम जो कि अब एक्स वजीर आजम हो चुके हैं इमरान खान साहब, उन्होंने रशिया का विजिट किया, इस पर अमेरिका नाराज हुआ और जो मामला हुआ वो आपके सामने है। जबकि इंडिया की अगर बात की जाए वो भी रशिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, ऑयल भी उनसे ले रहा है और मतलब सारे मामला चल रहे हैं, तो क्या अमेरिका इंडिया से नाराज नहीं हो सकता? नहीं, इसमें मेरा जाती ख्याल ये है कि जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलात होते हैं उसमें कोई मतलब
जो चीज जिस चीज पे ये बेस कर रहे होते हैं वो होती है प्रॉफिट और जो पावर के रिलेशंस होते हैं। तो जो पावर का मामला होता है उसमें ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी चीज स्टैग्नेंट नहीं होती, ठीक है। मतलब अमेरिका का इंडिया के साथ और रशिया का इंडिया के साथ, रशिया का पाकिस्तान के साथ, ये कोई इसमें जब हम ह्यूमन बिहेवियर्स की, ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ जो है वो एक ख़ास किस्म के इमोशनल लॉयल्टी और इस तरह की बात, जो पावर स्ट्रगल का मामला होता है या पावर रिलेशंस की जहाँ तक बात होती है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर इंटरेस्ट चल रहे होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट चल रहे होते हैं, डेफिनेटली इंटरेस्ट मैटर करते हैं। और जो भी कंट्रीज, जो भी मालिक इस टाइम तरक्की कर रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, शायद इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि जिस मुल्क के साथ हमारी बॉन्ड नहीं आती, जिस मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं होते, हम उसे ट्रेड ही बंद कर देते हैं। तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? नहीं, जहाँ तक ट्रेड वाली बात कर रहे हैं ना, और खास तौर पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, उसमें उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो जो सूरत हाल रही है कर्ज वगैरह की IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो उसकी शरायत ही इतनी ज़्यादा सख्त और खौफनाक होती है कि उस सूरत में मतलब पॉसिबल नहीं होता। मतलब आपने अपनी इकोनॉमी चलानी है, इकोनॉमिक्स मुल्क का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको किसी ना किसी तरीके से स्टेबल तो करना ही करना है, और उसके लिए जाहिर है आपको जो है वो आपको पैसे लेना पड़ते हैं, ठीक है। आप अपनी उस तरीके से कोई भी किसी भी किस्म की ट्रेड जो है वो जनरेट करने के काबिल नहीं हो रहे हैं, तो उस तरीके से वो जो फिर शरायत जिस तरह की वो तय करते हैं वो मतलब आप उसको जो है वो स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा सख्त होती हैं। इसके अलावा क्या वजह समझते हैं आप? हाँ, उसकी वजह ये है कि इंडिया में जो मतलब ट्रेडिंग को लेके जो है वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया हुआ है वो उस हवाले से ये है कि वो काफी ज्यादा मतलब इसमें अगर हम खुद मुख्तार भी हैं, लेकिन उनकी जो खासतौर पर जो फॉरेन पॉलिसी है या आप जिसे कहते हैं कि उनकी जो इंटरनेशनली जिस जो उनकी डीलिंग है, जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को जो लोग डील कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा मेंटली इंटेलेक्चुअली इतने ज़्यादा शार्प हैं कि वो हमारे यहाँ वो बहुत सारी वो चीज़ जो है वो लैक करती है कि हमारे वो जो टर्म्स और वो जो एक रिलेशन जो के बनना चाहिए जो डिप्लोमेटिक किसी भी दूसरे मुल्क के साथ वो बन ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग जो हैं वो जो इसको डील करते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो रिलेशन डिवेलप कर पाए जो इंडिया जो है वो इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज के साथ करता है। आपको नहीं लगता इसकी एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान अगर किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहे भी तो उसे IMF की शरायत, वर्ल्ड बैंक की शरायत को देखना पड़ता है उसके बाद जाके, यानी पाकिस्तान अपनी मर्जी से किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, जबकि इंडिया फ्री है ट्रेड करने में किसी भी मुल्क के साथ। इवन उसे अमेरिका ने पाबंदी भी उस पर लगाई है कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो ट्रेड कर रहे हैं। हाँ नहीं, इसमें हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम्स जो है ना हमारे और उनके, हमारा उनका कंपैरिजन का किसी भी हवाले से बनता नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उनका जो पॉलिटिकल जो उनकी जो पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर बहुत मैच्योर है, और उसमें जो जिस तरह से वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनसे सिर्फ इंस्टीट्यूशनली काम लेना चाहिए सिर्फ वही काम लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो खास तौर पर जो कॉलोनियल लेगेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लोग देखने वाले समझदार हैं नहीं, वो तो ये है कि वो जो कॉलोनियल लेगेसी वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हर जगह आपको नजर आती है, वो से हमारे मुल्क के जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामला पे बहुत डीप असर पड़ता है। यकीनन क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें ना, उस तरीके से ना कभी सिविल सोसाइटी कायम हो पाई है, ना कभी उस तरीके से जो है वो डेमोक्रेसी ने जो है वो अपना अपने आप को मजबूत कर पाई है, ठीक है ना। इस तरीके से जो हमारी पॉलिटिकल जो एलिट्स हैं जो कि वो भी वो उस कॉलोनियल जो लेगेसी वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो उनसे अपनी जान छुड़वा पाई है, तो इस हवाले से उनके यहाँ ये मामला डिफरेंट है। वो उन्होंने उनको एक इंस्टीट्यूशन जिसका वो काम है, जो उसके काम जिम्मे है, जो उसका वो बनता है, वो सिर्फ वही काम करता है। बस दोस्तों, इनकी ड्रामेबाजियां खत्म नहीं होगी, लेकिन रियलिटी तो यही है कि जब से करंट गवर्नमेंट किसी भी देश का प्रेशर हो भारत पे, भारत ऑब्जर्व नहीं करता, ठीक है। भारत वही फैसले लेता है जिससे भारत का फायदा हो। अब वो इंसिडेंट सबको याद होगा जब जयशंकर साहब ने बड़ा तगड़ा रिप्लाई दिया था कि यूरोप जब तेल खरीदे, यूरोप जब गैस खरीदे रूस से तो सही है, लेकिन अगर भारत खरीदे जिसको जरूरत है तो वो यूक्रेन के खिलाफ फंडिंग हो गई। ये कैसा रूल है भाई? पूरी वहां पे जो सभा थी, यूरोप के सपोर्टर्स थे, यूरोप के जो स्पोक पर्सन थे, वो सारे के सारे शांत हो गए। भाई बात तो सही है, वैलिड है। जब यूरोप खरीद रहा है तब तो कोई फंडिंग नहीं हो रही यूक्रेन के खिलाफ, तब तो रशिया की सहायता नहीं हो रही, लेकिन जब भारत खरीद रहा है तो सहायता हो रही। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है,
हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बहुत ढंग से यूरोप को समझाया था। तब का दिन है और आज का दिन है, यूरोप ने भारत के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा कि भारत यूक्रेन के खिलाफ रशिया की सहायता कर रहा है। भाई पता है ना कि पहले भारत तुरंत इनकी औकात बता देगा कि पहले खुद का घर देख लो तब भारत में टिप्पणी करना। इतना सब कुछ हो गया दोस्तों, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कमेटी और गैस कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट है वो हैरान करने वाली है। 61% से ज्यादा गैस की आपूर्ति यूरोप के लिए रशिया ही कर रहा है। अमेरिका अभी भी रशिया से तेल खरीद रहा है, यह जानते हुए भी कि भारत रूस को ऑयल बेच रहा है। इसके बाद भी रशियन ऑयल की डिमांड भारत से यूरोपीय मार्केट कर रहे हैं। ये सब रिपोर्ट्स इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कमेटी की तरफ से हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, भिखारिस्तान जैसे देश हैं जिनको यूएसए वगैरह यूरोप वगैरह धमका लेते हैं कि भाई तुम्हें नहीं खरीदना तेल, तुम खरीदोगे तो ऐसा कर देंगे। गलती से इन्होंने खरीद भी लिया था, उसे रिफाइन ही नहीं कर पाए ऑयल को, ठीक है। तो इनकी ड्रामेबाजियां दोस्तों चलती रहेगी। लेकिन हाँ भाई, भारत और रूस के जो रिलेशन है वो अलग ही लेवल पे है। कल को अगर भारत पे 60% ऑयल रूस से खरीदना पड़े ना तो भारत झिझकेगा नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।